Hi everyone, and in this particular video we'll learn about three more organelles, which are plastids, lysosomes. Sorry, lysosomes we've already done. This is vacuole and nucleus. Okay, so let us just look at plastids first. So dekho, I'll show you some pictures of flowers. देखो, the pictures that you can see, these pictures, जो flowers में color होता है वो color किस वजह से present होता है, जो इनकी leaves का green color होता है flowers में जो color होते हैं, तो mainly plastid की हेल्प से ही इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं. सो प्लास्टिड्स हैव डिफरेंट पिगमेंट्स which provide color to different parts of plant body. ठीक है, कोई लीव को कलर देता है, कोई फ्लावर को कलर देता है, कोई फ्रूट को कलर देता है. सो प्लास्टर्स मेनली आर of three types. Number one is chloroplast. Which is also called green colored pigment, which has chloroplast के अंदर जो pigment होता है वो green color का pigment होता है, which has green colored pigment. ठीक है, and then you have chromoplast which have different color of pigments, which have different kind of pigment. This is R-E-N-T, different colored pigments. And then you have leucoplast, which basically is has colorless pigments. It does not provide any color to any part of body. ठीक है, so chloroplast जो होते हैं वो mainly आपको leaf में मिलते हैं. chloroplast नाम के जो organelles होते हैं देखो. ठीक है, plastids के अंदर होते हैं chloroplast. so chloroplast is something like this. ठीक है, this has green, this is green color pigment ना. और पौधे में green color का क्या होता है, obviously leaf. so this is found in leaf, found in cells of leaves. ठीक है, and they have their own DNA which is prokaryotic. Also, they have ribosomes which are again prokaryotic. या फिर 70S type के इनमें ribosomes present होते हैं. So which means that कि they are also engulfed by a eukaryotic cell and now they live inside their body. इनको भी किसी eukaryotic cell ने engulf कर लिया था, but now they these chloroplasts live inside the body of eukaryotic cell. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो रेप्लीकेट बाई इट्स ऑन, जो हम सेल डिविजन में देखेंगे. अभी आप बस लिख लो, रेप्लीकेट्स बाय इट्स ओन. एंड देन यू हैव, दिस वॉज क्लोरोप्लास्ट, राइट, क्लोरोप्लास्ट. एंड नाउ जस्ट लुक एट क्रोमोप्लास्ट.
क्रोमोप्लास्ट विच हैव डिफरेंट कलर पिगमेंट्स, और ये जो कलर देते हैं ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में जो आपको कलर दिखाई देते हैं डिफरेंट कलर्स, ये आपको येलो कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स और इधर भी पिंक कलर के फ्लावर्स, तो इनकी सेल्स में प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, ठीक है। सो क्रोमोप्लास्ट दे गिव कलर्स टू डिफरेंट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू डिफरेंट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फ्लावर्स ठीक है। थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है, इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, ठीक है, क्योंकि ये कलरलेस है, कलरलेस पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी कलर ये प्रोवाइड नहीं करता, बट दे एक्ट एज, ल्यूकोप्लास्ट एक्ट एज स्टोरेज 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 प्लास्टिड, और जो ये स्टोर करते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च और शुगर्स और प्रोटीन्स लिपिड्स और भी अदर चीज़ें ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड। फिर जो टमेटोज में जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन नाम के पिगमेंट्स की वजह से होता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। टमेटोज का जो रेड कलर है, द रेड कलर ऑफ टमेटोज, टोमेटोज रेड कलर इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट विच इज कॉल्ड लाइकोपीन। यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन। एंड कैरेट का जो कलर होता है, कैरेट का कलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरोटीन पिगमेंट। लाइकोपीन इज ऑल्सो अ पिगमेंट विच गिव्स रेड कलर टू टोमेटोज। एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल दिस इज इम्पोर्टेंट, कैन बी आस्क्ड, ठीक है। नाउ विल डू वैक्यूल। और जो प्लास्टर्स होते हैं उनकी हमने डिस्कवरी देखी क्या? नहीं, लेट अस राइट। जो प्लास्टर्स को डिस्कवर किया था वो हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, HAKEL हैकेल। एंड ये जो प्लास्टर्स होते हैं ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटिस्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट्स जैसे युग्लिना, जिसका हमने एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में लिया था, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लाइजोजोम्स, सॉरी वैक्यूल्स। राइट योर वैक्यूल्स, सो दे एक्ट एज बेसिकली अ स्टोरेज सेंटर फॉर सेल, एक्ट एज स्टोरेज सेंटर फॉर सेल, फॉर सेल। एंड जैसे हमारे रूम में डस्टबिन होता है, ये ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, दैट इज वाई इसको आप एज अ डस्टबिन भी याद रख सकते हो। और इनके अंदर जो
कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, किस टाइप का वेस्ट या फिर किस टाइप का मटेरियल स्टोर हो सकता है, दैट कैन ईदर बी सॉलिड और दैट कैन ईदर बी लिक्विड. ठीक है. उसके बाद इनके बाहर वाली वैक्यूल आर लाइक दिस. इन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में ये थोड़े से छोटे होते हैं. वैक्यूल प्लांट सेल्स में बड़ा होता है पर लेस इन नंबर होता है. ठीक है. पर अगर आप एनिमल सेल की बात करते हो तो उसमें छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पर उनका नंबर ज्यादा होता है. तो जो वैक्यूल की बाहर वाली लेयर है, दिस वन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ठीक है. इन एनिमल सेल्स में ये होते हैं मोर इन नंबर स्मॉल इन साइज, मोर इन नंबर स्मॉल इन साइज. सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स. सो एंड इन प्लांट सेल्स दे आर लार्ज इन साइज बट लेस इन नंबर. ठीक है. और स्टोर क्या क्या कर सकते हैं ये, कैन दे कैन स्टोर वेस्ट या फिर अमाइनो एसिड को स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद शुगर्स को, प्रोटीन्स को, या फिर पिगमेंट भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो हैव पिगमेंट, लाइक जो हमारे प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वैक्यूल्स के अंदर भी पिगमेंट स्टोर हो सकते हैं. या तो ये वेस्ट स्टोर कर सकते हैं, दूसरा अमाइनो एसिड कर सकते हैं. अमाइनो एसिड भी हम आगे देखेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. और शुगर्स को स्टोर कर सकते हैं ये, प्रोटीन्स को, एंड पिगमेंट्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जैसे एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है जो फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है, प्लस एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके अंदर, एंथो साइनिन, जो कलर देता है फ्लावर को, गिव्स कलर टू फ्लावर. ठीक है. दो वो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो अमीबा और दूसरा होता है पैरामीशियम. एंड पैरामीशियम पैरामीशियम इनके अंदर दो टाइप के और वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है फूड वैक्यूल, दूसरा होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. सो फूड वैक्यूल के अंदर ऑब्वियसली ये फूड को स्टोर करेगा, स्टोर्स फूड. और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोरेज होता है लिक्विड्स का, स्टोर्स लिक्विड. ये जो दो लोअर ऑर्गेनिजम्स मैंने बताए, लोअर का मतलब प्रिमिटिव, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा और पैरामीशियम, इनके अंदर फूड वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है. वी आर डन विद वैक्यूल ऑल्सो. नाउ लेट अस डू न्यूक्लियस. राइट योर न्यूक्लियस. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, देन क्रोमेटिन, फाइबर या फिर क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. न्यूक्लियोप्लाज्म होता है फ्लूइड ऑफ फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस इज ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए, ठीक है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसको हम न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे आगे। क्रोमेटिन मटेरियल मैं अभी नहीं बता रही, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस है उसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल एंड न्यूक्लियोलस इज ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो दैट वाज इट। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट किस चीज की होती है, डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और आरएनए भी, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, जो हम आगे देखेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस पार्ट। अभी ये एक पार्ट का और रहता है।